हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गा जायसवाल। आज हम आपके बीच एक लगातार आपका एक प्रश्न आ रहा था, आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे की जाए, क्या अभी से आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी करना उचित है अथवा नहीं। तमाम तरह के आपके मन में, आपके जहन में उठने वाले ऐसे प्रश्न थे, उन सभी का जवाब लेकर मैं दुर्गा जायसवाल आपके बीच आया हूँ टीम इलेनी में दुर्गेश की तरफ से। मैं एक तरफ से मैं अपनी बातें पूरा खत्म करता हूं। इस वीडियो को अंत तक वही साथी देखेंगे जो वास्तव में शिक्षक बनना चाहते हैं, जो वास्तव में अध्यापक बनना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए उन्हीं को अंत तक जाना है, बाकी लोग इस वीडियो को ना देखें क्योंकि उनका समय बहुत ही कीमती और बहुमूल्य होगा। अब बात करते हैं आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर। वर्तमान शिक्षक भर्ती को देखते हुए आगे की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसका भी अंदेशा और उस पर अपनी रणनीति अभी से तैयार की जा सकती है। वर्तमान समय में पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। इस लॉकडाउन की स्थिति में सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर लॉकडाउन है, स्टे होम है और आपकी तैयारी रुकी पड़ी है। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बात को सोच रहे हैं कि जब भर्ती आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप उन रेस में से अगर है तो आप वीडियो को ना दिखेगा, अंत तक तो मत दिखेगा क्योंकि आपका समय बर्बाद होने वाला है। वो देखेंगे जिनको एक पद चाहिए, जो वास्तव में शिक्षक बनना चाह रहे हैं। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर हम प्राइमरी शिक्षक की बात करें, अगर हम प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक में सबसे पहली बात आपको सामने आती है वो ये आती है कि जो प्राइमरी का मास्टर बनते थे पहले BTC थे, फिर आपने देखा 28 जून 2018 को NCT गाइडलाइन आती, BEd को सम्मिलित किया गया, फिर आप उसके बाद देखते हैं NIS को सम्मिलित किया गया। माने अब प्राथमिक टीचर बनने के लिए एक बड़ी तैयारी आपको करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे संख्या बल ज्यादा है। आगामी शिक्षक भर्ती कर हम बात करें तो मिनिमम, ये क्लास तो लाइव चल रही है, 7 लाख से अधिक कैंडिडेट आपकी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होंगे। कैसे? 4,69,000 में सम्मिलित थे जिसमें 69,000 का चयन हो जाएगा, बाकी बचेंगे लगभग आपके 3 लाख अभ्यर्थी। 3 लाख अभ्यर्थी ये और पिछले DLED 17 और 18 बैच को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 3 से 3.5 लाख, 7 लाख प्लस NIS और प्लस BEd मिला दिया जाए तो कुल आने वाली भर्ती परीक्षाओं में 9 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में आपके साथ बैठने वाले हैं। कितने? लगभग 9 लाख अभ्यर्थी आपकी भर्ती परीक्षा में आगामी जो बैठेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जब आगामी भर्ती परीक्षा में 9 लाख बैठना है और जो पद संख्या आएगी वो लगभग 35 से 45,000 आएगी, जो पद संख्या होगी वो 35 से 45,000 होगी और कम से कम वो जो पद होगी वो 1 साल के पहले नहीं आएगी। माने जो आगामी भर्ती है वो 1 वर्ष के पहले नहीं आएगी। मतलब ये बात साफ है अगले साल मार्च या अप्रैल में ही आपकी अगली शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो पाएगी क्योंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव की वजह से जो भर्ती परीक्षा है, अगली शिक्षक भर्ती परीक्षा, वो मार्च या अप्रैल में होगी। अब हम आते हैं इसके तैयारी की बात करते हैं। तो आपको तैयारी अभी से अपनी तैयारी को पूरी बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कमी करते हैं, यदि किसी भी तैयारी में आप अपना प्रश्न लगाते हैं तो आपके लिए लगातार समस्याएं बनती चली जाएंगी। इसलिए आप सभी जहां पर भी हैं इस लॉकडाउन में अभी से तैयारी करते रहिएगा। आपने चीन की कहावत सुनी होगी, हजारों में लंबी यात्रा करने के लिए एक छोटी कदम की शुरुआत होती है। वो छोटी कदम आज से आप निकालिएगा क्योंकि आपको उन 9 लाख बंदों में से जो 35,000 जो 45,000 सबसे बेस्ट बंदे होंगे वही चयनित होकर अंतिम रूप से सहायक अध्यापक पद बनेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। आज लॉकडाउन में यह बातें स्पष्ट हो गई, एक सरकारी गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉई होते हैं और एक प्राइवेट एम्प्लॉई में क्या डिफरेंस है। कोई काम नहीं है, घर पे बैठे हैं, पूरी सैलरी मिल रही है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्हें बाहर कर दिया गया, वो घर आके बैठ गए हैं। अब सोचिए इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी, गरीबी क्या होगी वो हम लोग बाद में अंदेशा लगा लेंगे। मतलब इससे एक बात साफ और स्पष्ट है कि आप सभी को और हम सभी को अब अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से पूरी जोर लगाकर पढ़नी चाहिए। मैं दुर्गेश जायसवाल 69 शिक्षक भर्ती का प्रबल दावेदार हूँ और हम इस भर्ती में चयन होने के बाद आपके लिए एक अलग समस्या बनेगी। आपको भी गाइड करते रहना है, आपको भी पढ़ते पढ़ाते रहना है क्योंकि आपने को भी पता होगा कि लगभग 11 से 12 हजार ऐसे व्यक्ति हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो दुर्गेश सर की नोट्स या क्लास पढ़कर इस 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। बहुत सारे लोग होंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर उनके आप नाम और काम पढ़ते रहिएगा। अब आती है कि इसकी तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपके पास जो चीजें हैं उन सभी से अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी तैयारी पूरी बेहतर तरीके से हो जाएगी। आते हैं हम एक एक करके इन सभी तथ्यों पर विचार करते हैं, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और आप वीडियो वही लोग देखेंगे, वही लोग कमेंट करेंगे जो वास्तव में सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंटबाजी करेंगे जिनको अध्यापक नहीं बनना, दिन रात ऐसे करते रहेंगे क्योंकि वो उनके माता पिता की जो संस्कार होते हैं वहाँ दिखाई देते हैं। तो मैं उनके लिए आया हूँ जो वास्तव में टीचर बनना चाहते हैं, बाकी मेरा लाइव होने का उद्देश्य कोई नहीं है। अब हम एक बार अगर इसके अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखें, अगर हम यहाँ पे
सिलेबस देखें तो हमें सिलेबस में हम आराम आराम से अपनी बातें स्पष्ट करते चलेंगे और आप लोग कॉपी कलम लेकर इन सभी तथ्यों को नोट डाउन करते चलेंगे। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में आपके सामने कुछ लैंग्वेज है। लैंग्वेज है जिसमें तीन लैंग्वेज होती है 40 मार्क की। 40 नंबर का लैंग्वेज होता है। इसमें आपको मैं किताबें बताता चल रहा हूँ, आप इसे लिखते चलेगा। इसमें 40 नंबर में 20 नंबर का हिंदी ग्रामर रहेगा। क्या आएगा? 20 मार्क के 20 जो नंबर है वो आपके ग्रामर होंगे। ग्रामर कहाँ से पढ़नी है? क्योंकि अभी आपने देखा है ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर के लिए कक्षा 6, 7, 8 की कोई किताब आपको सीबीएसई बोर्ड की अगर मिल जाती है, आईसीएसई बोर्ड की, तो हिंदी ग्रामर किताब आपके लिए बेस्ट है। लॉकडाउन में भी ये पढ़ लीजिएगा। लॉकडाउन बीतने के बाद आप सभी के लिए पीएन पांडे की पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं 10 नंबर की संस्कृत आएगी। 10 नंबर की संस्कृत के लिए आप संस्कृत ग्रामर की बुक, अच्छी बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिनको इंग्लिश है वो संस्कृत, जो संस्कृत है वो इंग्लिश, और फिर जिनका इंग्लिश है वो एक्सेलेंट की इंग्लिश जो आती है उसे अभी से पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ से 40 नंबर लैंग्वेज से आते हैं और 40 नंबर में 20 नंबर हिंदी प्रत्यक्ष रूप से आपने पढ़ा होगा, लेकिन 10 नंबर संस्कृत और इंग्लिश आपके लिए टेढ़ी खीर होगी। इसलिए वे साथी जो वास्तव में शिक्षक बनना चाहते हैं वह अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दे। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है विज्ञान। अब हम विज्ञान पे बात कर ले। विज्ञान के लिए, विज्ञान पे अगर आपको पढ़ना है तो विज्ञान में कुछ नहीं करना है। विज्ञान के लिए 6, 7, 8 की जो विज्ञान किताबें आप हैं एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, चाहे वो एनसीईआरटी की मिल जाए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट मिल जाए, एक बार आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि जब यहाँ से तैयार करते समय आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको परीक्षा के टाइम काफी चीजें आसान हो जाएंगी। इसमें टॉपिक जो दिया है जरूरी मत रखिएगा कितना आएगा, इसके बाहर सिलेबस आता है, आपने दो बार परीक्षा में देख लिया होगा। ठीक, इंग्लिश के लिए एक्सीलेंट कक्षा 9-10 की मैंने आपको बता दी है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब है गणित की बात करते हैं। गणित के लिए कक्षा 6-7-8 की किताब पढ़ लीजिए, वरना हमारी क्लासेज आपको चल रही है, नोट्स भी मिल रही है, वहां से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। गणित के लिए आप एकदम परेशान ना हो, क्योंकि गणित आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको लूसेन की प्राथमिक अंकगणित पढ़ना है, कक्षा 8 की गणित पढ़नी है। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इस गणित के 20 नंबर के पेपर में आप आराम से 17-16 नंबर स्कोर कर जाते हैं। बाकी मैं आपके साथ तो गणित, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट गणित और सोशल रहा है, तो गणित सोशल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। फिर आता है पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ये डिसाइड कर देता है आपको शिक्षक बनना या नहीं, माने एक गणित और दूसरा पर्यावरण, ये दोनों ऐसी चीज है। ठीक है, ये दोनों ऐसी सिलेबस है जो ये डिसाइड कर देता है, जो ये निर्णय कर देता है। ठीक है, ये निर्णय कर देता है कौन शिक्षक बनेगा कौन शिक्षक नहीं बनेगा। इसके लिए आप 6-7-8 की एनसीईआरटी मिल जाए तो ठीक है, नहीं राज्य सरकारी किताबें, इतिहास भूगोल पढ़ लीजिएगा तो सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्या क्या हो जाएंगे वो हो जाएगा, इसमें क्या क्या मैं आपको बताता चलूंगा। पृथ्वी की संरचना कक्षा 7 में, नदियां कक्षा 7 के भूगोल में, पर्वत कक्षा 7 में, महाद्वीप कक्षा 7 में, महासागर कक्षा 7 में, प्राकृतिक संपदा कक्षा 8 में, अक्षांश और देशांतर रेखा कक्षा 6 में, सौरमंडल कक्षा 6 में, भारतीय भूगोल यह कक्षा 7, 6, 7, 8 मिलाकर पढ़ लेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कक्षा 8 की भूगोल, भारतीय समाज सुधार कक्षा 8 की इतिहास कक्षा 8 के इतिहास, भारतीय संविधान, एक छोटी सी नोट हमारी पढ़ लीजिएगा, आपके पास कोई बुक होगी मार्केट की वो पढ़ लीजिएगा। फिर आता है हमारी शासन व्यवस्था, या भारतीय संविधान या हमारी शासन व्यवस्था जो पढ़ना है, कक्षा 6-7-8 की तो इतिहास किताब होती है, उसके अंत में यहाँ पे इसका वर्णन किया गया। यात्रा एकदम सड़क सुरक्षा, ये आप देखेंगे तो कक्षा 8 के भूगोल में है। भारतीय अर्थव्यवस्था, ये माइनर क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर को ऐड करके आता है, 2 प्रश्न आते हैं, इसको अलग से किताब नहीं पढ़ना, थोड़ी चीजें हम आपको बता देंगे, 1 से 2 प्रश्न खाली परीक्षा में आते हैं। फिर आते हैं हमारी संस्कृति और विरासत, ये अगर कल्चर की बात करेंगे, हमारी संस्कृति की बात करेंगे तो कक्षा 6 के इतिहास में आपको मिल जाएगी। पर्यावरण संरक्षण, इसके लिए कक्षा 6-7-8 की किताब आती है, खासकर पर्यावरण के लिए। अगर आप कहें तो मैं किताब दिखा दूं, इस किताब कहाँ है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये भी एक ही किताब में आती है, मैं वो किताब के दर्शन करा देता हूँ, वो किताब भी आप देख लीजिएगा, वो किताब आपको कहाँ मिलेगी, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको किताब दिखा दे रहा हूँ। वो किताब है ये है, मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ, वो एक किताब है हमारा पर्यावरण, जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक के लिए नाम से आती है, ये कक्षा 6-7-8 तीनों के लिए चलती है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये निःशुल्क वितरण हेतु है, यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे, ये निःशुल्क वितरण हेतु है, 2018-19 का है, आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। देख रहे हैं, ये हमारा पर्यावरण है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये पूरी किताब आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पे पर्यावरण के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे, अच्छा लेसन तो ऊपर चला गया, मैं लेसन आपको दिखा, इसमें देखिएगा कक्षा 6-7-8 का, अगर आप पढ़े लिखे होंगे देख रहे होंगे कक्षा 6-7-8 का, इसमें ये सभी नीचे का अध्याय थे जो आपके सिलेबस में था। ये किताब आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अभी से तैयारी नहीं करेंगे सिलेक्शन में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जो पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया आपको पता होना चाहिए। ये किताब होगी, इस किताब के बारे में मैंने आपको जो बातें थी वो स्पष्ट कर दिया। अब ठीक है, अब हमारे सामने आ चुका है आगे सिलेबस।
ये हो गया, ये पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के बारे में बता दिया। वास्तव में 10 नंबर का है लेकिन ये 50 नंबर के पेपर को आपके इफेक्ट करता है, यही सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार है। सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडी। आगे बढ़ते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल की बहुत सी मार्केटिंग किताब है लेकिन आपको इलानी बुतुर्गेस की एक छोटी सी नोट्स मिलेगी, जिस नोट्स की सहायता से आपको ये 10 नंबर का ये टॉपिक आराम से तैयार कर लेंगे। टोटल मिलाकर ये 30 से 40 पेज में हम आपको पूरा उपलब्ध करा देंगे, जो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जहाँ पे दुर्गेश सर्च करके इलानी बुदुर्गेश से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं, या फेसबुक पेज इलानी बुदुर्गेश पर। बेहतर लग रहा हो तो शेयर करिएगा, वरना कोई बात नहीं। फिर अब मनोविज्ञान की बात करते हैं, ये मात्र 10 नंबर का था है। आपने यूपीटेट, सीटेट, सुपर टेट में पहले बार पढ़ चुका होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपने बीएड में, पीटीसी में पढ़ा, यहाँ केवल रिवीजन करना है, 10 नंबर का आएगा। यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर टेट सीटेट पेपर सॉल्व कर लेंगे तो 10 के 10 आपके क्लियर है। बहुत ज्यादा मोटी किताबें मत पढ़िएगा, कुछ मत पढ़िएगा। व्यक्ति भिन्नता एक नंबर का, मुझे बाल विकास नहीं आती, मुझे व्यक्ति भिन्नता आती है, क्योंकि यहाँ पे चार लोग बैठे हैं, चारों के दिमाग अलग अलग है, चारों की सोचने की क्षमता चारों अलग। कोई पबजी खेल रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा, कोई लूडो खेल रहा होगा, कोई व्यायाम कर रहा होगा, तो सभी की अलग अलग है। यही कह रहा है व्यक्ति भिन्नता, यही कहता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कारक क्या होते हैं? संगति होती है, हमारा संगति कैसा, आपका क्या है, जो कैसे बालों को प्रभावित करते हैं, कैसे उनका विकास होता है, इसके बारे में है। मतलब मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे आता है। फिर है सीखने का सकता क्या है, पहचानना कैसे पढ़ा जाते हैं, सीखा कैसे जाता है। फिर पढ़ने का वातावरण सृजन करना, सीखने का सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता, दिव्यांग छात्रों तो विशेष व्यवस्था क्या है। मतलब समाज से शिक्षा को ऐड कर दिया है कि दिव्यांग छात्र हैं तो क्या करेंगे। जैसे आप अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हिंदी पढ़ाने के लिए पहुंचे और वहाँ पे कोई तेलुगु लड़का आ गया आपकी कक्षा में तो क्या करेंगे, बहुभाषी कक्षा को क्या करेंगे, यदि कोई विकलांग बालक है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो ये बहुत आसान, इसका जवाब देना बहुत आसान है। बाल विकास के लिए कोई किताब मत खरीदिएगा, बाल विकास के लिए कोई नोट्स मत लीजिएगा, थोड़ी सी गाइड कर देंगे आप बाल विकास कर ले जाएंगे, अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, कारण क्या है कि बाल विकास आपने कई बार पढ़ा है, यहाँ से स्कोर करना आपके लिए बेहतर है। आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान प्रघटना। ये 30 नंबर का सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके लिए निर्णायक कंडीशन ही निभाता है। और पिछले अगर सुपर टेट शिक्षक भर्ती में यदि कोई जुड़ा हुआ हो तो वो जानता होगा कि मेरे 18 पेज के नोट से हूबहू 22 प्रश्न आए थे, 22 प्रश्न हूबहू आए थे, मात्र 18-20 पेज का करंट का नोट्स मैंने दिया था। इस करंट में अभी आप मत पढ़िएगा। मैं आपको, अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया, ऑफलाइन ज्वाइन किया, अगर मेरे साथ पढ़ते हैं या मेरी बात मानते हैं, तो अभी आप इसको मत पढ़िएगा, क्योंकि ऊपर से छना हुआ करंट अफेयर आता है और परीक्षा ना जाने कब अगले साल होगी। लेकिन तैयारी अभी से आपको करनी है, क्यों? क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में ही, और अभी से तैयारी करेंगे तब आप उस समय रिवीजन कर पाएंगे, वरना इतना प्रेशर हो जाएगा। आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, कुछ लोग होंगे फॉर्म भरने के बाद पढ़ेंगे, कुछ लोग होंगे परीक्षा आएगी तब पढ़ेंगे, कुछ लोग अभी से पढ़ेंगे। तो हमारी टक्कर उनसे है जो आज से पढ़ रहे हैं, हमारी टक्कर उनसे है जो आज के एक साल पहले से पढ़ रहे हैं। आज एक करंट अफेयर पढ़ेंगे तब जाके पुराना हो जाएगा, क्या मतलब समय बर्बाद करने से, उतना उससे अच्छा संविधान पढ़िए। आपको ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समसामयिक की घटना, तब पुराना हो जाएगा, इंटरनेशनल, नेशनल, प्रदेश, ये तीनों तब तक पुराना हो जाएगा। और ऊपर से छना हुआ आता है, आपको मैं पहले बता रहा हूँ, ये पीसीएस की परीक्षा नहीं होगी, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है, इसलिए करंट अफेयर का दायरा मैं आपको बता दूंगा। भरोसा हो, विश्वास हो तो अभी करंट अफेयर मत पढ़िएगा, बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ पे 200 लोग पढ़ रहे हैं, 200 लोग अलग अलग किस्म के हैं, ठीक, लेकिन आपको मैं अपना दायरा बता रहा हूँ, अभी आप मत पढ़िएगा, आपका समय बर्बाद होगा, उतना समय आप अन्य टॉपिक पे दीजिएगा जो आपका वीक है। आगे बढ़ते हैं स्थान। स्थान क्या है? जो घटना घटेगी उसका प्रमुख स्थान, ऐतिहासिक भौगोलिक स्थान के बारे में, खासकर उत्तर प्रदेश की स्पेशल। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब कक्षा 6-7-8 में किताब चलती है भारत के महान व्यक्तित्व, उन सभी अच्छे व्यक्तियों के बारे में, उनका जन्मस्थान क्या था, उन्होंने क्या क्या किया था, खासकर आंदोलनकारी जैसे मतेंद्र नाथ को लेकर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, गोरखनाथ को लेकर पूछा गया था, तो ऐसे प्रश्न यहाँ से आते हैं सीधे सीधे। रचनाएं, रचना क्या है? हिंदी में रचना पूछा था, इसके बाद भी रचनाओं में किताबें आती हैं, किसकी क्या किताबें हैं, कौन सी किताब कौन लिखा है, उसमें क्या कृति थी, खासकर इसमें गांधी जी को ज्यादा पूछा था, नेहरू जी को पूछा जाता है, इनके बारे में मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, इस बात को मानिएगा, विश्वास होगा तब। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार खेल, पुरस्कार भी मत पढ़िएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया पुरस्कार भी पढ़ेंगे तब तक पुराना हो जाएगा, और खेल अभी पढ़ेंगे तब तक पुराना, खेल कोरोना के भेंट चढ़ चुका है, ठीक, इसलिए यहाँ पे पढ़ना नहीं है। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, ये कच्चा छा के इतिहास में है, और कल्चर को कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा। मानी कला, तो ये 30 नंबर का जो है, ये 30 नंबर आप अभी मत पढ़िएगा, भरोसा है तो, बाकी आप अन्य लोगों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि तब तक ये पुराना हो जाएगा, उतना समय उन पे दीजिएगा। अंग्रेजी वाले संस्कृत है, संस्कृत पढ़े, संस्कृत वाले अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी है। मैथ वाले को आर्ट नहीं आता, आर्ट का पढ़े, आर्ट वाले साइंस नहीं आता, साइंस पढ़े, अभी उस पर फोकस करें। करंट का 30 नंबर छोड़ दे, मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, मैं कहीं भी रहूंगा आपको इसकी नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, चाहे मैं गवर्नमेंट में ही रहूं तब भी मैं कराऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रीजनिंग की बात करते हैं। यह मात्र 5 नंबर का होता है,
ये तार्किक ज्ञान है, रीजनिंग ये 5 नंबर का होता है। इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों है। इसमें जो रीजनिंग है वो वर्बल है और नॉन वर्बल दोनों है। रीजनिंग के लिए मत परेशान होइएगा, मैं प्रयास करूंगा कल से 3 दिन अंग्रेजी 3 दिन गणित की कक्षाएं आपके संचालित करूंगा। जो कक्षा पर्यावरण की 8 बजे चलती थी उसी समय आपकी कक्षाएं चलेंगी। इस बात को लेकर एकदम परेशान न होइएगा, मैं कल से आपके लिए प्रयासरत हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं ज्वाइनिंग के पहले मैं आपको जितना बेहतर हो सके वो मैं पढ़ा लूं। ठीक, दूसरी बात यह आपके लिए, इस पर समय मत दीजिएगा, मेरी गारंटी है 5 के 5 सही करेंगे। अगर 5 सही नहीं कर पाइएगा तो आपका जूता मेरा, से इस बात की गारंटी लेता हूं। तार्किक ज्ञान अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपके 5 के 5 सही होंगे, 5 के 5 एक नंबर भी कम नहीं होगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च किए रहेंगे, दुर्गेश सर सर्च करेंगे इन लर्निंग विद दुर्गेश पर, टेलीग्राम पे जुड़िएगा, वहां पे सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 5 के 5 नंबर आपके सेट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सूचना तकनीकी, इसे कंप्यूटर कहते हैं, यह भी 5 नंबर का आता है। कंप्यूटर ये कक्षा 6-7-8 की किसी भी कॉन्वेंट स्कूल की किताब पढ़ लीजिएगा। इनपुट डिवाइस क्या, आउटपुट डिवाइस क्या, कंप्यूटर डिवाइस क्या, फुल फॉर्म क्या है, बस इसके रटे रटाए 5 पेज को, 5 पेज की इसकी नोट्स है आपको, 5 से 10 पेज की, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। इसमें क्या पढ़ना है, शिक्षण कौशल क्या है, भैया पढ़ाने कौशल क्या है शिक्षण का, वो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा कक्षा शिक्षण में विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र में सूचना तकनीक क्या है, माने जो सूचना तकनीकी है विद्यालय में क्या है। अब बताइए आप प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनेंगे या मैं भी, हम लोग बनने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि सारा काम ऑनलाइन होता जा रहा है, फॉर्म से लेकर सब कुछ ऑनलाइन। इसका उपयोग प्राथमिक कक्षा में कैसे करेंगे, कक्षा कक्ष में कैसे करेंगे, बाहर की दुनिया को कक्षा में दिखाने के लिए कैसे पूरा करेंगे, इन सभी तथ्यों को हमें विश्लेषण करना है। दूसरी बात कंप्यूटर क्या है, भैया वही बताना है आपको, कंप्यूटर क्या, इसकी उपयोगिता क्या, इसको शिक्षण में कैसे उपयोग करना है। इंटरनेट क्या है, इसमें खासकर फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरा स्मार्टफोन क्या है, स्मार्टफोन का अब उपयोग क्या, लॉकडाउन में प्राथमिक कक्षा में यह भी बता दिया। ठीक, तो यह भी आपको बता दिया लॉकडाउन में इंटरनेट का प्रयोग क्या है, उसके बाद स्मार्टफोन का प्रयोग क्या है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स क्या है, इसका क्या काम है, शिक्षण में उपयोगी एप्स क्या है, कौन कौन शिक्षण उपयोगी एप्स, जैसे लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप है, हमारा टेलीग्राम फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश है, जैसे मेरा है वैसे गवर्नमेंट का जो ऐप है उसका क्या उपयोग है। डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, जो डिजिटल शिक्षण है जैसे ई लर्निंग विद दुर्गेश का फुल फॉर्म ही होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग विद दुर्गेश, तो हमारा फुल फॉर्म हमारे चैनल का ही वही है जो यहाँ पे हमें आपको पढ़ना है। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। फिर आगे हम लोग देखेंगे जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृद्धि, माने इन सभी चीजों को जो हमने पढ़ा है वो प्राथमिक कक्षा में कैसे यूज करेंगे, यह बातें अगर आप समझ लेते हैं तो 10 नंबर आपके यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे क्या क्या है, व्यावसायिक आवरण नीति क्या है, प्रेरणा क्या है, माने बच्चों को कैसे प्रेरित करना है, कैसे पढ़ाना उनको, ठीक उसके लिए भी प्रेरणा के लिए क्या करेंगे, यहाँ संवैधानिक और मानवीय दंड पुरस्कार, पुरस्कार भी 2 तरह से होते हैं, पॉजिटिव पुरस्कार नेगेटिव पुरस्कार। मतलब अगर आपके बच्चे भी स्कूल में बैठे हैं कहेंगे ठीक है आज जो सवाल पहले हल करके बताएगा उसे ये ट्रॉफी मिलेगी, तो ये भी दंड है, कौन सा सकारात्मक, कोई बच्चा सोचे मैं पहले करूं सकारात्मक दंड, कहेंगे नहीं बताएगा तो छड़ी से मारेंगे, तो दंड क्या होगा नकारात्मक, तो ये दंड आपको पढ़ना है, पुरस्कार पढ़ना है, पुरस्कार और दंड सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं, दंड भी सकारात्मक होता है नकारात्मक भी होता है, तो ये दोनों हम लोग को पढ़ना है, ये सब के बारे में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। माने इस पे आपको ज्यादा समय नहीं गवाना है, इसके लिए सही गाइडलाइन होगी, माने हम लोगों ने 1 महीने में तैयारी पूरे प्रदेश में कराई और अच्छे से ज्यादा 11,000 ज्यादा लोग इस शिक्षक भर्ती में हमारे साथ के जो सफल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप सिलेबस का सही एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो फिर हम और आप नहीं कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया से दूर उठते चले जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हम लोग, नेतृत्वकर्ता क्या होता है, मार्गदर्शक क्या होता है, परामर्शदाता क्या होता है, प्रदाता क्या होता है, अनुसरणदाता क्या होता है, इन सभी के बारे में लोग पढ़ेंगे, इन सभी का काम क्या होता है, खासकर प्राथमिक शिक्षक में इनका क्या काम होता है। इस प्रकार 150 नंबर के जो पूरा सिलेबस था हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया, और ये तैयारी आप अपने घर पे बैठ के करिए, अभी आप लोग को किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, इच्छा आपकी है आप घर बैठ के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, यहाँ पे भर्ती कब आएगी, मैं इसे कहानी सुनाऊंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भर्ती कब आएगी, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, अगर आप लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े हैं और जुड़े रहना चाहते हैं तो वो कहानी जरूर सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा और तब अपना रिप्लाई जरूर करिएगा। और जितने लोग लाइव हैं वो लोग अगर शिक्षक बनना है ये कहानी जरूर सुनिएगा। एक लड़का था मेरी तरह, BTC किया हुआ था, BEd किया हुआ था, कुछ भी किया हुआ था, वो बड़ा परेशान था, उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो एक लोग बताया कि गांव में एक बाबा जी रहते हैं उनके पास जाओ वो आपको नौकरी का तरीका बताएंगे। तो बच्चा बहुत परेशान था और वो गांव के बाबा जी के पास पहुंचा, तो बाबा जी शाम का समय था, कहें बेटा सुबह आना भोर में सूर्योदय के पहले, मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी कैसे मिलती है। बालक रात भर सोया नहीं, सोचा सुबह उठूंगा और बाबा जी के पास जाऊंगा, बाबा जी को जड़ी देंगे मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी।
और जब वो पहुंचा बाबा जी के पास तो नदी था बगल में, नदी के पास ले गए और नदी में ले जाने के बाद पीछे पीछे गया, उसकी गर्दन पकड़े पानी में डाल दिया। और जब पानी में डाल दिए तो बालक जो लड़का था बड़ा परेशान हुआ, सांस फूलने लगी पानी में, सोचा हो सकता है बाबा जी को जड़ी देंगे नौकरी मिल जाएगी। कुछ सेकंड बीता, सोचा अब बाबा जी बताएंगे जड़ी देंगे शायद मैं सरकारी नौकरी जाए, थोड़ा सा सांस फूलने लगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा था लेकिन सरकारी नौकरी का सवाल था, वो डूबा रहा। फिर उसको ऐसा लगा मैं मर जाऊंगा, सोचा हो सकता अब बाबा जी बताएं, फिर इंतजार किया। फिर कुछ देर और बीता, फिर जब उसे लग गया कि बाबा जी उसे मार डालेंगे तो बहुत तेजी से पानी से बाहर निकला, बाबा जी दूर गिरे। अरे बाप रे बाप, सर्दी ज्यादा हो गई क्या? तो बाबा जी दूर जा गिरे। अब जब बाबा जी दूर गिरे लड़का खड़ा हुआ गाली देने लगा, काम आपसे पूछने आए थे नौकरी कैसे मिलेगी, आप तो मुझे मारने पे तुले हैं। तो बाबा जी ने क्या कहा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाबा जी की बात सुनिएगा आपको जवाब मिल जाएगा भर्ती कब आएगी। बाबा जी ने कहा बेटा ये बताओ जब मैंने तुम्हारी गर्दन पहले पानी में डाली तब तुमने मुझे दूर क्यों नहीं किया? कहा बाबा जी मुझे लगा अभी आप छोड़ देंगे। कहा फिर? कहा मुझे लगा आप बताएंगे। फिर कहा फिर? कहा आप बताएंगे। कहा फिर लगा बीच में कि शायद मर जाऊं, फिर लगा आप बताएंगे। फिर जब जान गया मुझे मार डालेंगे तब हमने आपको धक्का दिया। उन्होंने कहा जी हाँ सेम यही प्रक्रिया हमारी पढ़ाई के साथ होती है। जब हम BTC BEd में एडमिशन लेते हैं तब सुपरटेट टेट की तैयारी नहीं करते, सोचते हैं हो सकता है कुछ दिन बात करेंगे, एक सेमेस्टर बीतता है, दो सेमेस्टर बीतता है, तीन सेमेस्टर बीतता है, सोचते हैं चौथे सेमेस्टर पढ़ेंगे तब किसी तरह टेट सीटेट होता है, फिर इंतजार करते जब भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, और जब भर्ती आती है फिर फॉर्म एक महीना होता, कहते फॉर्म भले अभी नहीं पढ़ेंगे जब एडमिट कार्ड आएगा तब, फिर एडमिट कार्ड आ जाता है, फिर कहते जब सुबह परीक्षा तो रात को, तो जब सुबह परीक्षा होती है तो रात को पढ़ते हैं, तब बताइए कौन सा टॉप करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि हम भर्ती का इंतजार नहीं करना है, भर्ती हमारी इंतजार करे। आप अपने आप को उस योग्य बना लीजिए कि भर्ती चाहे जब आए आप उस परीक्षा में जब भी बैठे सफल हो जाए, क्योंकि आपके साथ 7 से 8 लाख लोग बैठेंगे भर्ती परीक्षा में, मैंने बताया कैलकुलेशन करके, और उस 8 लाख भर्ती परीक्षा में आपको एक सीट बचाने के लिए अभी से मेहनत करना पड़ेगा। और वो सिलेक्शन में 7 लाख कैसे, लगभग 3,76,000 सुपरटेट में थे, 69,000 होंगे 3 लाख ही बचेंगे, 17 बैच 18 बैच 3 लाख, 3-3 6 लाख, NIS 1 लाख 1.5 लाख, मिलाकर 7 से 8 लाख लोग इस भर्ती परीक्षा में बैठेंगे, उसमें एक सीट के लिए 35 से 40,000 सीट आएगी। तो जो अभी से पढ़ेगा जो अभी से मेहनत करेगा वही सिलेक्शन पाएगा, बाकी लोग यहाँ पे टिप्पणी करेंगे कमेंट करेंगे और वो इसी तरह रह जाएंगे, लेकिन जो अभी से पढ़ेगा, अब बताइए जो आज से पढ़ रहा है ये सिलेबस जो खत्म कर चुका है वो पता है बार बार रिविजन करेगा, और जो कमेंटबाजी करते हैं जो इधर से उधर व्हाट्सएप या PhD करते हैं फेसबुक या PhD करते हैं वो पता है क्या करेंगे, तब वो किताब लेके दौड़ेंगे पढ़ें क्या, इनके यहाँ पढ़ेंगे उनके यहाँ पढ़ेंगे, इतिहास समझ में आया भूगोल नहीं, भूगोल आया तो अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी आया तो संस्कृत नहीं, तो वो इसी में उलझे रहेंगे और आप आराम से बैठे रहेंगे कि कब आपको नौकरी मिले। मतलब आप उस समय दौड़ेंगे नहीं, आप केवल इस बात को लेकर परेशान रहेंगे कि भैया मुझे नौकरी कब करनी है। आपको रिविजन नहीं करना होगा, आपको बस समझना होगा, नई नई चीजें अपने अंदर रखनी होगी। और भर्ती चाहे जब आए, नदी में कूदना आसान है कि तैरना आसान है? आप कहेंगे सर नदी में कूदना आसान है, भर्ती आना चाहे जब आए, लेकिन आप उस योग्य है नहीं, अगर आपको तैरना नहीं आता नदी में कूदेंगे तो डूब के मर जाना है। तो अगर आप उनमें से हैं जो भर्ती आने में पढ़ेंगे तो आपको हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं आप इंतजार करिए, लेकिन अगर आप उनमें से हैं, अगर आप उनमें से हैं कि नहीं आपको एक सीट चाहिए, तो आज से आप दृढ़ संकल्प होइएगा कि एक सीट आपको लेनी है, और तब तक आपको पढ़नी है जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिले, जब तक आपको एक सीट ना मिल जाए तब तक आप लगातार 22 शेड्यूल अगर 6 घंटा पढ़ना है तो चाहे सुबह शाम दोपहर ठंडी गर्मी बरसात चाहे जो हो जाए आपने इस समय सारणी समझौता मत करिएगा। यकीन मानिए आपके कदमों में नौकरी होगी, और बाकी लोग इसी तरह फिर आप 2 साल बाद मिलेंगे, वो आपकी तरह इसी तरह चैट पे लोग कमेंट करते रहेंगे और आप एक गवर्नमेंट टीचर हो चुके रहेंगे, तो बस वो लोग इस तरह करते रहेंगे। अगर आपको इस तरह गवर्नमेंट टीचर बनना है, सरकारी नौकरी बनना है, तो आज से दृढ़ संकल्प होइएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है 7 लाख में से 35,000-40,000 सीट आएगी, तो 35-40,000 होगा, बाकी 6.5 लाख उन्हीं में से होंगे ना जो कमेंट करते हैं, उन्हीं में से होंगे ना, जिसका मतलब साफ है कि जब 17% रिजल्ट यूपीटेट का आता है, मान 83% वही फेसबुक या ज्ञान वाले हैं, व्हाट्सएप या ज्ञान वाले हैं, इसका मतलब 17% लोग पास होते हैं 100 में 17 लोग, बाकी लोग सीटेट रिजल्ट 11% आता है, मतलब 89% लोग फेल होते हैं, मतलब जो क्वालिफाई का जो मार्क है उसको नहीं कर पाते। इससे बात स्पष्ट है, इससे हमें आपको सीखना है कि टेट सीटेट पास करने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी यहाँ स्कोर करने से मिलेगी, यहाँ आपको स्कोर करने से मिलेगी, इसलिए आपको अभी से अपना बेस्ट देना होगा। बाकी आप समझदार हैं, टिप्पणी करना आसान है, कमेंट करना आसान है, और आपको जब तक मैं हूँ तब तक मैं आपको अपना बेस्ट दूंगा,
चाहे गर्मी पड़े, ठंडी पड़े, बरसात हो, पसीना टपके, मैं आपको अपना बेस्ट दूंगा। आपकी इच्छा है आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे उन स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है जो फेसबुक के अज्ञान वाले, मुझे उनसे मतलब है जो हमारी तरह मेहनत करने के इच्छुक है, जो हमारी तरह सीरियस होकर वह भर्ती का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि अपने पढ़ाई इतना बेस्ट देंगे ताकि भर्ती जब भी आए उनका चयन पक्का रहे, उन्हें भर्ती का इंतजार ना कर पड़े, भर्ती उनका इंतजार करे, भैया जैसे भर्ती आएगी इनका चयन हो जाएगा। इसीलिए आप सभी को मैंने पूरा सिलेबस बता दिया, मैंने सारी बातें आपको स्पष्ट कर दी और आज आपको यह पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्यों है, क्या ऐसा कारण है आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको अपना बेस्ट देना है और आज से बेस्ट देना है। और अभी से आप अगर 6 घंटा पढ़ते हैं तो 6 घंटा तक पढ़िएगा और वैकेंसी के लिए मत पढ़िएगा, क्योंकि वैकेंसी के लिए 89% लोग आपके लिए काम करेंगे, वो बाकी लोग, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब टेट की परीक्षा होती है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, शायद आकर आपके काम आ जाए, जब यहाँ पे हमारी परीक्षाएं होती हैं तो 100% लोग परीक्षा में बैठते हैं, 17% लोग पास होते हैं और यहाँ पे 83% लोग फेल होते हैं, और इन 17% में से भी 34% का रिजल्ट आता है, बाकी 66% फेल होते हैं। इसका क्या कारण है? इन 34% में से भी अभी अब जाके जब आएगा रिजल्ट, इसका भी केवल 50% टीचर बनेंगे और 50% क्या करेंगे, फिर फेसबुक का ज्ञान लाएंगे। इसीलिए आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, न्यू वैकेंसी क्या आएगी, कितनी आएगी, आपको एक सीट से मतलब है, आप अपनी एक सीट के लिए पढ़िएगा। बहुत सारे लोग हैं, अब बताइए टेट पास कर लिया, सी टेट पास, उनको लग रहा है कि अब तो हम बड़े ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि अब आपको सुपर टेट में स्कोर करना है, 14 सब्जेक्ट का पढ़ना है, इसका कोई छोर नहीं है, कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रतिदिन, एक लोग कमेंट आया है, मैं लाइव में कमेंट नहीं ले रहा था कि मैं कमेंट ले रहा हूं, कोई कह रहा धांधली होती है, मैं इसको एक प्रश्न का जवाब दूंगा, मैं उम्मीद करता हूं इस जवाब से आपका उत्तर मिल जाएगा। अगर एक बॉक्सिंग का रिंग हो, अगर इसमें 180 सेकेंड का बॉक्सिंग होता है, और अगर उसका कोच, यहाँ पे दो लोग लड़ रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड दो लोग लड़ रहे हैं, और बॉक्सिंग करने वाला जो है, जो कोच है, वो इसका सपोर्ट करता है फर्स्ट वाले का, तो सेकेंड वाले क्या करना चाहिए, इसको इतना मार दो कि वो खड़ा होने लायक ना रहे, मजबूरी में कोच को आपको विजेता घोषित करना पड़े। अगर धांधली वाला अगर 141 करता है तो आप 142 करने की क्षमता रखो, सिलेक्शन आपका होगा कि धांधली वाले का होगा, किसका सिलेक्शन होगा? अगर 140 करने की क्षमता रखता है 142 करो, अगर 143 करने की क्षमता रखता है तो आप अकेले के दम पर 144 करने की क्षमता रखो, सिलेक्शन पहले आपका होगा पहले उसका होगा। हमें अपने आप को सकारात्मक करना है, लोग क्या कहते हैं, लोग कहेंगे, लोगों का हमें कहना, यदि हम ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, हमें उनको नहीं सोचना है, हमें एक सीट से मतलब है, आपको अपने दावेदारी से मतलब है, आपको अपने दावेदारी में भरोसा होना चाहिए, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, बाकी लोग तो भगवान राम को नहीं छोड़े या हमको भी नहीं छोड़ेंगे, तो भगवान राम को जो नहीं छोड़े तो हम आपको क्यों छोड़ेंगे। लेकिन हमें एक राइट डायरेक्शन में पढ़ना है कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक चयन नहीं होगा, तब तक हमें अपना बेस्ट देंगे। लोग कह रहे सर अभी पॉसिबल नहीं है, कैसे नहीं, अभी आपने पढ़ाई कहाँ, शुरुआत ही कहाँ किया, पहले शुरू तो करिए, 1 साल तक प्रतिदिन 6 घंटे पढ़िए, अगर किसी दिन आप शादी समारोह में जाते हैं अगले दिन उसको एडजस्ट करिए, लेकिन अगर शेड्यूल में आपके 6 घंटे है तो 6 घंटे पढ़िए, यकीन मानिए नौकरी आपके कदमों होगी, बाकी आपकी इच्छा, आप क्या सोचते हैं। लेकिन अगर हमें सोचते कि पॉसिबल नहीं है यार, चंद्रमा पे आज भी सोचो क्या पहुंच जाओगे, लेकिन 1969 में लोग चंद्रमा पे धरती पर उतर चुके हैं, मतलब इम्पॉसिबल कि चंद्रमा पे कैसे जाएंगे यार, हम यहां से पैदल लोग मुंबई तक जा पा रहे, मुंबई कैसा नहीं पता, लोग चांद तक जा सके हैं जब उसको पॉसिबिलिटी कर सकते हैं हम जैसे आप लोग, तो क्या नौकरी पॉसिबल नहीं है? है, लेकिन उसको यहां से करना पड़ेगा, और आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आप अपना बेस्ट दीजिएगा, यकीन मानिए नौकरी आपके कदमों में होगी, आपको आज से पढ़ना पड़ेगा। मैंने सब कुछ आपको बता दिया, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या होगा, सब चीज मैंने आपको बता दिया, किताब के नाम बता दिए, उसके अलावा यदि आपको कोई जरूरत हो तो आपके साथ ई-लर्निंग विद दुर्गेश की पूरी टीम है, मैं तब तक हूँ, मैं बेसिक नौकरी करने जा रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं आप सभी का पूरा साथ दूंगा, और मैं ये चाहूंगा आप इसी तरह अपना बेस्ट दें, और नेक्स्ट वैकेंसी के इंतजार मत करिएगा, आप अभी से 6 घंटे अपने शेड्यूल में रखिएगा कि 6 घंटे आपको पढ़नी पड़ेगी, और अभी से 6 घंटे आप मार्केट से किताबें ले लें, आप एनसीईआरटी किताबें ले लें, अभी से आप पढ़ना शुरू करें, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना शुरू करें, उसके आधार पर आपका चयन प्रतिदिन जो आप मुश्किल समझ रहे हैं वो आने वाले समय में आपको आसान लगेगा, क्योंकि आपको बस एक पद से मतलब है। टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, कल से हम आपके लिए कुछ फ्री क्लासेस शुरू कर रहे हैं जिसकी टाइम टेबल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च कर ई-लर्निंग पे दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, वहां पे सारी क्लासेज आपको उपलब्ध हो जाएंगी।
फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश, और ऑनलाइन क्लास नोट्स अगर आपको कोई जानकारी अगर चाहिए तो यहाँ पे आप इलेनी बी दुर्गेश ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी अन्य कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और याद रखिएगा आज से अपने टाइम टेबल में 6 घंटे का टाइम बना लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे सिलेबस सेंड कर दूंगा, और जी हाँ अभी से आप अपना बेस्ट दीजिएगा, समझौता मत करिएगा अपने काम से, कभी समझौता मत करिएगा, शेड्यूल में 6 घंटे जरूर रखिएगा। यकीन मानिए कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले साल भर्ती आएगी नहीं पढ़ेंगे, तो उनमें से नहीं बनना है। मैंने आपको बताया ना कि जब 100% लोग, मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया कि जब 100% लोग टेट का एग्जाम देते हैं तो 70% लोग पास होते हैं और 83% लोग पास नहीं हो पाते। अब इन 17 में से नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो बेस्ट है, तो आपको बस ये करना है, आपको इनमें नहीं जाना है, आपको इनमें आना है। ये पता है क्या करते हैं, जब परीक्षा आएगी वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे। ये वो हीरे हैं जो आज से पढ़ रहे हैं, ये आज से पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया कि सीट चाहे जितनी हो आपको एक सीट से मतलब है। अगर कोई कह रहा है कि सर धांधली हो गई और धांधली करने वाले ने 143 किया, तो यार हम औकात रखते हैं अपनी 144 स्कोर करने की, तो पहले धांधली वाले का होगा कि पहले आपका होगा, पहले आपका होगा, पहले आपका होगा। क्यों आपका होगा? क्यों? क्योंकि आप इस जो अयोग्यता के पैमाने पर आपने अपनी वास्तविक योग्यता को साबित कर दिया, इसलिए पहले चयन आपका होगा। इसलिए आज से अपने आप में दृढ़ संकल्प होइएगा, आज से अपना बेस्ट दीजिएगा। उसी के साथ मैं दुर्गेश जायसवाल अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको लगी वीडियो आपके काम का, किसी व्यक्ति के काम का है, तो सभी को शेयर करिएगा, व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगाइएगा, फेसबुक पर पोस्ट करिएगा, अपने मित्र को कहिए देखने के लिए। अगर आपको लगे नहीं वीडियो आपके काम का नहीं, तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, आप लोगों ने, जितने लोगों ने इस वीडियो में जुड़े हैं, जितने लोगों ने लाइक किया है, क्योंकि इसमें अनलाइक करने वाली कोई बात नहीं थी, ईश्वर करे वो दिन दोनों रात चौगुना आगे बढ़ते रहें, और भविष्य में मुझे कभी मिले तो एक अध्यापक के रूप में, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में मिले। जितने लोगों ने अनलाइक किया है वो लोग ऐसे जिंदगी भर करते रहें, लोगों को कमियां दिखते रहें, और ऐसे जैसे वो आज कर रहे हैं ऐसे करते रहें, ताकि भविष्य में अपने बच्चों को भी यही बता सके कि भैया किसी की वीडियो आया करे बिना देखे पहले अनलाइक किया करो, उनकी मनोदशा ऐसे बना रहे। क्योंकि एक किसान कि यहाँ एक आदमी पहुंचा, शिक्षक पहुंचा, उन्होंने कहा कि बताइए आपने एक ही खेत में बोया हुआ है करेला और खरबूजा, खरबूजा मीठा है करेला कड़वा, जबकि पानी यही है मिट्टी यही। तो किसान ने एक बड़ा सरल जवाब दिया, क्योंकि ये मिट्टी और पानी का दोष नहीं है, उनकी सिंचाई का दोष नहीं है, ये उनके बीज का दोष है। करेला का काम ये कड़वा होना, इसका संस्कार है कड़वा, लेकिन जो खरबूजा है उसका संस्कार सकारात्मक है। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वे सभी अच्छे लोग जो इस समाज में हैं वे लोग जल्दी सफल हो, बाकी जो कमियां निकालते हैं, जो लोगों बुराइयां देखते हैं, वो यही करते रहें, वैसे ही करते रहें। जबकि शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों की मनोदशा ऐसी है, क्योंकि मैंने बताया सब तो सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि होना तो कितने को है, मात्र 17% को, तो सिलेक्शन 17% में से आता है, और 17% वाले देख कर लग जाते हैं 17% वाले हैं, और 83% वाले कमेंट से, बात से वो स्पष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी साथी, चाहे वो जो भी करें उनका विचार जैसा हो, वो ईश्वर करे वो आगे जाए और जल्दी जल्दी अध्यापक बने। लेकिन एक बात और, आप अपना बेस्ट दीजिएगा, काम समझौता मत करिएगा, कभी भर्ती का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकती है, लेकिन आपकी तैयारी कभी भी नहीं हो सकती, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और लगातार आप अपना बेस्ट दीजिएगा, आपके कदमों में सफलता होगी। लोग डिमोटिवेट करेंगे, लोग कहेंगे भर्ती आएगा तब पढ़िएगा, आप उन सबको छोड़िएगा, केवल अपना बेस्ट दीजिएगा, ठीक। बाकी आप समझदार हैं, यहाँ पे लोग कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे, तो ना हमें ज्ञान का प्रदर्शन करना है, ना हमें अपनी बात रखना है, बस हमें अपना बेस्ट देना है। बाकी कमियां तो लोगों ने कह रहा भगवान राम को नहीं छोड़े, तो हम जैसे कहां छोड़ेंगे, और इम्पॉसिबल शब्द ही कहता है इम्पॉसिबल, वरना इंसान चांद तक कैसे पहुंचता। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, पूरा पाठ्य वस्तु बता दिया, और ये क्लासेज आपके भी मैं प्रयास करूंगा कि स्टार्ट करा दूं, कल से स्टार्ट हो जाएंगी। कल से आप लोग शाम 6:30 बजे, 8:30 बजे, 8 बजे, रात 9:30 बजे पढ़ते रहिएगा, यकीन मानिए आप नौकरी जल्दी करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी का। एक सवाल इन्होंने पूछा किसी ने कि आपके मार्क्स कम क्यों, आपको 150 में 150 आना चाहिए। चलिए मैं आपके प्रश्न का पहले जवाब दे देता हूँ, और शायद आपको जवाब भी समझ में आ जाए। टेट सीटेट की जब परीक्षाएं होती थी, तो चाहे मैं भी अध्यापक हूं और मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा, और मैं किसी एक विषय का अध्यापक हूं। आप जब पढ़ते हैं तो आप 14 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, लेकिन एक अध्यापक एक सब्जेक्ट को पढ़ता है और एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है। मेरे इतने हैं तब भी बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए आप 8-8 अध्यापक को फेस करते हैं, आप भी कितने होने चाहिए। जैसे हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते, वहाँ पे एक टीचर है वो संविधान पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप हमसे ज्यादा जानते हो। हम लोगों ने पूछा कैसे, कहे मैं संविधान पढ़ाता हूँ, संविधान जानता हूँ, लेकिन आप 17 विषय पढ़ते हैं और 17 विषय के अध्यापकों को पढ़ते हैं, 17 बेस्ट अध्यापक पढ़ते हैं, इसलिए आप 17 विषय जानते हैं, मैं एक विषय जानता हूँ। इसीलिए मैं, मेरा, मुझे संस्कृत में
जीरो बट्टा नील, मुझे कोई मतलब नहीं संस्कृत में, इंग्लिश में स्कोरिंग सब्जेक्ट मेरा नहीं है, मैथमेटिक्स, सोशल, रीजनिंग, करंट अवेयरनेस के बल पे कितना खींचेंगे। तो ये चीज देखा करिए, सकारात्मक जाया करिए, मेरे कम है क्यों ये आपने समझा, क्योंकि मैं परीक्षा के रात तक पढ़ाया हूँ, जो मेरे साथ पढ़ेंगे पूछेगा, मैं अपनी तैयारी नहीं करके उन सब की तैयारी कराता था, मैं पूरी रात पढ़ाया हूँ, सुबह 10 बजे 8 बजे परीक्षा होती थी, मैं रात के 2-2 बजे तक लाइव पढ़ाया हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे अपने ज्यादा आपकी करियर प्यारी थी। और एक अध्यापक और माँ बाप होते हैं जो ये चाहते हैं उनके बच्चे उनसे भी आगे जाएं, और बाकी भाई भाई के नहीं होते, आप खुद समझदार हैं। सकारात्मक लीजिए, आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली है, देखने का दृष्टिकोण, देखने का नजरिया है। मुझे लगता है कि फेल हो गए तो आप गालियां भी देते, ईश्वर ने अच्छा किया कि पास है, 69 जैसे भर्ती में भी है और सहायक अध्यापक भी बन जाएंगे, ये बात मेरे लिए बड़ी है। लेकिन याद रखिएगा कि आप हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप सब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, मैं केवल सामान्य अध्ययन माने जीएस जिसे कहते हैं, मैथमेटिक्स, जीएस मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इनके बल पर मैं कितने दूर तक जा पाऊंगा, तब भी मैंने उतनी दूरी तय की, ये मेरे लिए खुद गर्व की बात है। आपके लिए है कि नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं आपकी तरफ पढ़ता नहीं था, मेरे पास कोई टीचर नहीं थे, हम स्वयं पढ़ते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और हाँ, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते, खेत में नहीं, और आपकी रेस रेस के घोड़ों से खेत नहीं, क्योंकि जो वैकेंसी होती है, जो पद होता है, यहाँ पे सभी लोग दौड़ते हैं, जिसकी रफ्तार स्लो हुई बगल वाला तुरंत से क्रॉस कर जाता है, और आपकी रफ्तार अगर सुनोगी होगी तो बगल वाला आपको क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, खेत में बैल अच्छे लगते हैं, अगर बैल से रेस कराई जाए और घोड़ों से खेत जोतवाया जाए कैसा नजारा होगा। इसलिए अगर आप रेस के घोड़े हैं तो रेस में रहिएगा, भर्ती का इंतजार मत करिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, सफलताएं आपके कदमों पर होंगी, आज नहीं तो कल कदमों में जरूर होंगी, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, खेत में बैल और गधे अच्छे लगते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।